नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दुर्ग से 2023 के रण का शंखनाद गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। 2023 में छत्तीसगढ़ और 2024 में फिर से केंद्र में सरकार बनाने के दावे के साथ ही अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लेकिन अमित शाह की इस चुनावी रैली ने एक बार फिर से सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया। एक तरफ शाह की हुंकार है तो दूसरी तरफ बड़ा सवाल है कि आखिर छत्तीसगढ़ की सियासी पिच पर कौन है दमदार। राजनेताओं के लगातार दौरे छत्तीसगढ़ में हम लगातार देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 23-24 की जंग कौन जीतेगा, और इसी को लेकर, इसी मसले को लेकर कुछ सवाल भी हैं। सवाल आपको बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह ने हुंकार तो भर दी है, लेकिन 23 में दमदार कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? दावे सबके हैं जीत के, किसके दावों में कितने दम, आने वाला वक्त बताएगा। सवाल नंबर दो की छत्तीसगढ़ में बीजेपी को क्या बूस्टर डोज मिला है अमित शाह के इस दौरे के बाद? क्या छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता उत्साहित हुए हैं, ऊर्जावान हुए हैं? दूसरा सवाल यह था। और तीसरा सवाल यह है कि कर्नाटक की हवा छत्तीसगढ़ में भी बहेगी क्या? जो कर्नाटक में हुआ, मतलब कांग्रेस की जीत हुई, क्या उसका इफेक्ट छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलेगा? यह भी अहम। और तीसरा सवाल, चौथा सवाल यह है कि क्या 23 का इलेक्शन 24 की पिच तैयार होगी? क्या बीजेपी 23 के इलेक्शन के जरिए 24 की पिच तैयार करने की कोशिश कर रही है? पांचवा और आखिरी सवाल यह है कि दुर्ग से शंखनाद हो चुका है, छत्तीसगढ़ फतह कितना आसान है? आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, खास तौर से बीजेपी के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, और दो खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। नितिन भंसाली जी हैं और हमारे साथ हैं राजीव जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आप दोनों से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल की गूंज सुनाई दे रही है। दुर्ग से बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भर दी है। गुरुवार को शाह ने दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम से छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया। दुर्ग की सभा में अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि सूबे में कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जनसागर उमड़ा है। मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूँ कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमित शाह के शंखनाद ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जवाबी हमले में कहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक में भी पूरा जोर लगाया था, लेकिन जीत कांग्रेस ने हासिल की। देखिए, पिछले बार भी अमित शाह जी आए थे, बस्तर में भी अमित शाह जी आए थे, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी आए थे। मैं कहना चाहता हूँ, जेपी नड्डा साहब अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश को नहीं बचा पाए तो छत्तीसगढ़ आके क्या बचाएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब कर्नाटक से आते हैं, और कर्नाटक को भारतीय एक तरफा हम जीत दिलाया। भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार, केंद्र सरकार, उनके पूरे देश भर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पूरे लगे थे 2 महीने तक, मगर वहाँ कुछ नहीं कर पाए। तो छत्तीसगढ़ में भी आने से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का कहना है कि जनता ने बीजेपी को 15 साल मौका दिया, लेकिन अब नकार दिया है। प्रदेश की जनता का अब बीजेपी पर विश्वास ही नहीं है। बीजेपी के कहने से क्या है, बीजेपी तो उनके पास कुछ है नहीं कहने को। हमारा काम चल रहा है, हमारा बढ़िया काम चल रहा है, सरकार का भी पार्टी का भी। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, हमारी सरकार कार्य कर रही है, फैसले हुए हैं, तो जनता के और हमारे बीच की बात है। बीजेपी की जहां तक बात है, 15 साल का इनको मौका मिला और यहां की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नाकार दिया।
उधर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का दावा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जमीन तो कमजोर नहीं हुई, अलबत्ता कांग्रेस की पोल जरूर खुल गई है। राज्यों में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके वजह से हमारी सरकार चली जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वहाँ पर घटा है। जहाँ भी कांग्रेस ने सरकार बनाई है वहाँ पर झूठ बोल के इन लोगों ने सरकार बनाई है। 65% युवा इस देश में है, छत्तीसगढ़ के युवाओं को किस तरीके से इन लोगों ने धोखा दिया है। और जिस शराबबंदी की बात किया था, जिस नरवा गरुआ घुरुआ की बहुत बखान करते हैं, नरवा गरुआ घुरुआ में आप देख लीजिए कि उसकी स्थिति क्या है। चुनाव का शंखनाद हो चुका है, सिर्फ 2023 ही नहीं बल्कि 2024 के लिए भी बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस में कर्नाटक जीत का उत्साह है, वहीं दुर्ग में शाह की हुंकार बीजेपी के लिए बूस्टर डोज जैसा है। हालांकि असल दम तो चुनावी पिच पर ही नजर आएगा। रायपुर से ममता लांचेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। किसके दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं लगातार दौरों से और उसके जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे। शुरुआत नितिन जी आपसे ही करना चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे गृहमंत्री अमित शाह के इस दौरे पर? आप देखिए, अमित भाई शाह आए छत्तीसगढ़ और कल उन्होंने रैली की यहां पर, वो शुभांकर साबित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत शुभ है उनके कदम, कांग्रेस के लिए। पिछले बार आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 65+ का नारा देकर गए थे और इसी प्रकार दावे करके गए थे कि हम 65+ से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। हुआ क्या, 15 सीटें जीते, सत्ता से बाहर हो गए, 15 साल सरकार चलाई और 15 सीटों में सिमट कर रह गए। इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। बहुत अच्छा पर्यटन है छत्तीसगढ़ का, अमित शाह आए, मोदी आए, नड्डा आए, जितने बड़े नेता हैं इनके, जिस प्रकार कर्नाटका में पूरे देश के इनके जिन जिन राज्यों में मुख्यमंत्री हैं उन मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री की लगातार धुआंधार रैलियां हुई और नतीजा क्या हुआ, बजरंग बली की गदा पड़ी और सत्ता से बाहर हो गए। तो छत्तीसगढ़ तो स्वप्न देख रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य है केंद्र में इन जुमलेबाजों की सरकार को उखाड़ फेंकना। 17 सवाल किए थे अमित शाह जी से कांग्रेस पार्टी ने कि आप छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो इन 17 सवालों का जवाब दीजिए। एक भी जवाब नहीं दिया कि 20,000 करोड़ रुपया वो अडानी के सेल कंपनी में किसका आया, कहां से आया, हिंडनबर्ग घोटाले की बात नहीं की, चिट फंड पर हमने सवाल पूछा उस पर जवाब नहीं दिया। तो बहुत सारी चीजों को ऐसा गोल गोल जलेबी के जैसा घुमाकर ये छत्तीसगढ़ से चले गए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस अपने 4.5 वर्षों के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच है। हम चुनाव को, हर चुनाव को चुनौती के रूप में लड़ते हैं और हमारे संगठन में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बिल्कुल तैनात है चुनावी संग्राम में उतरने के लिए। और हम इस बार 75+ पर काम कर रहे हैं क्योंकि हम उन हारी हुई सीटों पर भी फोकस कर रहे हैं कि उसमें हम क्यों हारे, जीती हुई पर मजबूत हो रहे हैं और हारी हुई पर हम फोकस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम हमारे लक्ष्य को अचीव करेंगे और पुनः भरोसे की सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कायम हो। ठीक है नितिन जी, लौटूंगा आपके पास। राजीव जी क्या कहना है आपका कि दावा कर रहे हैं एक बार फिर से जीत का और अमित शाह जी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कांग्रेस को, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने यूं ही इस तरीके से ही छत्तीसगढ़ के दौरे किए थे, रिजल्ट हमारे सामने। राजीव जी, सुनील जी, जिसकी सरकार रहती है, अमित शाह जी हो, नरेंद्र भाई मोदी जी हो, तमाम नेता हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाद में वो केंद्र के नेता हैं या मंत्री हैं। तो जब कोई चुनाव होता है तो तमाम नेता जाते हैं। अब राहुल गांधी जी अमेठी में चुनाव हार गए, वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सोनिया गांधी जी रायबरेली से थी या तमाम जो इस जगह से थी। तो कोई भी नेता किस प्रदेश का हो वहां हार जीत तय होती है, हो जाती है। लेकिन वो बेंगलोर और हिमाचल प्रदेश में भी झूठा वादा किए और छत्तीसगढ़ में कितना शानदार इन्होंने झूठे वादे किए, जुमले साबित किए, शराबबंदी होगी तो शराब की नदियां बह गई और उल्टे इनके जो करप्शन है इतना भयंकर करप्शन कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और हम इनको विश्राम दें। देखिए, गोधन का करप्शन है, लोहा कोयला का करप्शन तो सामने है, करोड़ों रुपए और हीरे जवाहरात साबित हुए, सब जेल की हवा खा रहे हैं और भी लोग हैं।
तो जिस प्रकार से ईडी ने पकड़ा था इनके घोटाले को, जो कोल स्कैम को पकड़ा था, कोलगेट घोटाले को पकड़ा था, तो ये कांग्रेस की परंपरा भयंकर घोटाला करते हैं। और आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव में भी जनता उत्साहित है, किस प्रकार से कोरोना काल के बावजूद भारत आगे बढ़ा है, चाहे अमेरिका हो या यूके हो, उनका अभिनंदन हो रहा है, देश की जीडीपी बढ़ रही है। तो ये जो तमाम चीजें आप सोशल मीडिया में देखिए सुमित जी, कि भारत एक संगठित और मजबूत देश के रूप में उभर रहा है और एक अच्छे नेतृत्व के रूप में, कभी यही भारत था जो अपनी सोना गिरवी रखता था, कभी यही भारत था जो पूछता था अमेरिका से घुटने टेक कर कि क्या मैं ये करूं या मैं वो करूं, क्रायोजेनिक इंजन लूं कि नहीं लूं रूस से। आज वो भारत है जो अपने शर्तों पर रूस से तेल लेता है, ये वही भारत है जो अपने शर्त पर एक्जिम पॉलिसी बनाता आयात या निर्यात। तो ये वो सुगठित भारत है जिसे युवा देख रही है, जिसे महिलाएं देख रही है और जिसे तमाम देश की जनता देख रही है। और इस प्रदेश की हालत जिस प्रकार से बदतर हो गई है, 15 वर्षों में जो हमने विकास किया था, विकास की श्रृंखलाएं खड़ी की थी, सुगठित बनाया था इस प्रदेश को, वो वापस पीछे चला गया है। इसीलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको वापस मिलने जा रहा है और अमित शाह जी के आने से हमें बूस्टर डोज मिल गया, नहले पे दहला हो गया है। और जिस प्रकार से एक कप्तान के आने से खुशी मिलती है, हम सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाड़ी हमारे कप्तान के आने से बहुत खुश हैं और हमें बहुत आनंद है। और इस सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को, हम उखाड़ फेंकेंगे ऐसी उम्मीद है। और जनता का भरपूर समर्थन सुमित जी हमको मिल रहा है। हम जिस महिलाओं के पास जाते राजीव जी, मैं लौटूंगा, राजीव जी दोबारा लौटूंगा, मैं नितिन जी कर्नाटक की जीत का बार बार जिक्र कांग्रेस करती है, कर्नाटक की जीत से कांग्रेस उत्साहित भी है, होना भी चाहिए, लेकिन अलग अलग राज्यों के, हर अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे होते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने कर्नाटक जीत लिया तो एमपी भी जीत लेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीत लेंगे और राजस्थान भी जीत लेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। हम हमारे काम पर बात कर रहे हैं। कर्नाटक में भी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे भाजपा ने, देश के प्रधानमंत्री ने, इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतने दौरे नहीं किए होंगे जितने कर्नाटक में उन्होंने किए, या कोई वादा ऐसा नहीं छोड़ा। वो तो 40% कमीशन का जो इनके ऊपर आरोप लगा और जो प्रभु श्री राम और बजरंग बली के नाम पर जो पूरे देश में ये राजनीतिक रोटियां सेकते हैं अपनी, ये जनता को समझ में आ गया कि इनका मुख्य मुद्दा क्या है, चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। अभी भी मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहा था, अमेरिका के कोई कार्यक्रम में मोदी जी थे और वहां पर हमारे देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति अंबानी परिवार उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये किन लोगों के लिए अपना सारा खजाना खोलकर इन्होंने रखा हुआ है। सरकार निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में आप देखिएगा मैजिक होगा। ये पूरे देश में जो मोदी का काला जादू है, जो 2019 में मैं तो काला जादू कहूंगा, ये काले जादू का जो असर है ये खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने भी इसमें अच्छी साधना की है और साधना करके इनके जो प्रभाव है, जो इनके काले जादू के जो दुष्प्रभाव थे मोदी के, ये दुष्प्रभाव जो थे आम जनता का जो भ्रम था, जो जनता भ्रम में थी, वो भ्रम से हट चुकी है। और अब जो है जनता 23 में तो हमारे साथ इन राज्यों में है, जनता 24 का इंतजार कर रही है कि अभी ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रूस से वो भारत है कि रूस से तेल ले आता है, वही भारत है भाई, जहां 2014 में जो तेल खाने का मिलता था आज किस दरों पर मिल रहा है देखिए, 4 गुना रेट हो चुके हैं। अनाज के दाम देखिए आप, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के सिलेंडर के दाम देखिए, भारत किस दिशा पे जा रहा है ये मुझे बताएं। और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, कप्तान आए थे बोलते हैं, ठीक है राजीव जी आपने ये बात कही, तो बताइए चेहरा कौन सा है बिना बोले की लौटता हूँ नितिन जी, दोबारा लौटता हूँ। राजीव जी आपने बार बार बात ये कही कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीती है वहां झूठे वादे किए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीते हैं, माना कि झूठे वादे कांग्रेस ने किए, लेकिन आप जनता को ये बताने में कामयाब नहीं हो पाए ना कि ये झूठे वादे हैं। नहीं सुमित जी, देखिए हर चुनाव की अलग अलग परिपाटी होती है, देश काल वातावरण परिस्थितियां अलग होती हैं। कभी होता है जनता चाहती है कि एक बार इनको परख लिया, दूसरी बार विपक्ष को परख ले, तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है। आप अगर भारत के लोकतंत्र को देखेंगे तो लगातार ऐसा होता है, और खासकर 90 के बाद के दशकों के बाद से, कि जनता का की मूड भापना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी लगातार जनादेश मिलता है, जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार जनादेश मिला, राजस्थान की वो परिपाटी है, राजस्थान में हमारी सरकार बनने जा रही है, मध्य प्रदेश में मित्र साबित हुआ,
हमारा सत्ता पर समय की बेहद कमी है, तो 23 का दावा है, 24 का विश्वास है और दोनों ही पार्टियों को जीत की आस है। बहुत धन्यवाद नितिन जी जुड़ने के लिए, राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, नमस्कार।